हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी के 5 दिन बाद मेरी थी पहली रसोई और मुझे बनाने थे मालपुए और खीर, जो कि मैंने बनाए और सबको काफ़ी पसंद आए। एक लाइन बीच ऐसे करते हैं, ये भी बीच में। हाँ, और जो ना दे जबरदस्ती के लिए नहीं 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 ये मत चलो, ये क्या बना, ये तो फल है, जला लेते हैं बस। दो जगह करना है क्या? वैसे तो 5 बन जाते हैं। अच्छा, 5 बना दे बेटा, बन जाएंगे 5 में। हाँ, छोटे छोटे बना, 5 में सबसे बना है। खिचड़ी गढ़ दी है थी हमारी फ़्लाइट कांगड़ा की। मैं जा रही हूँ कांगड़ा अपने घर शादी के बाद पहली बार, और अक्षत भी मेरे साथ जा रही थी बिकॉज़ घर बहुत दूर है, तो हम इतने दिन मतलब दूर दूर नहीं रहना चाह रहे थे इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आ जाएंगे। वी हैड आ फ्लाइट सुबह 5 बजे की, एंड गेस व्हाट, हमारी फ़्लाइट 2 घंटा लेट हो गई और इतनी आंधी तूफान चलने लग गई एयरपोर्ट पे दिल्ली में। तो हम तो इतना नींद में थे, इतने थक गए थे, भूख लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी अर्ली मॉर्निंग कुछ खाएं ना खाएं, क्योंकि घर पे मम्मी ने ऑलरेडी खाना बना के रखा हुआ था। तो बहुत हेक्टिक रहा हमारा जर्नी, मतलब हेक्टिक एज इन जब तक हम फ्लाइट पे नहीं बैठ गए तब तक बहुत हेक्टिक था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता सोएं कैसे, रेस्ट कैसे करें, खाएं क्या, क्या खाएं ना खाएं। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हमारी फ़्लाइट में बहुत ख़तरनाक टर्बुलेंस हुई क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था उस दिन।
वी वर सिटिंग इन द बस बिकॉज बाहर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. अब हम फ्लाइट में जाते तो कैसे जाते, तो आई थिंक हाफ एन आवर वन आवर तो हम बस में बैठे रहे. वहाँ पे भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स हमारा फ्लाइट डिले रहा और उसके बाद फाइनली जाके हम फ्लाइट में बैठे. और देखिए ये खूबसूरत नज़ारे मेरे कांगड़ा के, सच में देवभूमि है. और मतलब ऊपर से देख के नीचे इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ना, सब इतना खूबसूरत लगता है कि मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती. आप खुद ही देखिए. सो अक्षत लव्ड द सीनरी. आई थिंक अक्षत का ये फर्स्ट टाइम था वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे कांगड़ा के लिए, क्योंकि उससे पहले वो एक ही बार आए थे इस साइड, वो भी मेरे लिए, बट वो तब बाय रोड आए थे. तो बाय एयर उनका ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था. और मतलब ही वॉज सो मेसमराइज कि इतना सुंदर कैसे दिख सकता है कुछ. बहुत टायरिंग था, कैसा था फ्लाइट? घर में एंटर होते ही कुछ ऐसे हुआ हमारा स्वागत. मेरे स्वागत के लिए सबसे पहले आया भालू, फिर कोको और फिर मम्मी. पर हम मिले तो सबसे पहले पापा से थे, क्योंकि वो रिसीव करने आए थे हमें एयरपोर्ट पे. तो मिलिए मेरे कोको और भालू से. ये दोनों इतना खुशी से पागल हो गए कि हम आ गए. मतलब I love them and they love me. और मुझसे ज़्यादा सच कहूँ तो वो अटैच्ड हैं अक्षत के साथ. I don't know why, I am jealous. and वो जब भी अक्षत आते हैं तो ही इज़ लाइक they are like कि हमें तो यही चाहिए, बस ये हमारे पास छोड़ जाओ, तुम जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ये है मेरी मम्मी. तो कुछ ऐसा हुआ हमारा स्वागत घर पर. वो नहीं मिल सकता मुझे. आ जा आ जा आ जा कोको, आ जा. ओए नहीं मान रहा उसको, इधर आ इधर आ. कोको से मिल रहा हूँ तुझसे नहीं, तू दूर रह. अरे 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 कितना सेल्फिश है ये. फिर हमने इन दो
दोनों बच्चों को वॉक करवाया और उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक सोए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।